रिफ्लेक्शन अभी भी जा रहे हैं? No, चलो sir. देखते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। तो आपने है ना, मैंने लॉग तक पढ़ा दिया था आपको, और लॉग का इनइक्वालिटी शायद मैंने नहीं कराया था, तो दो चार पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं लॉग के अंदर में क्वेश्चंस कैसे होता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो जो बेसिक क्वेश्चन था वो बता देता हूँ, क्वेश्चन से है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं दो जानकारी दे दूं आपको कि वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए इंटू में एक्स। तो मैंने आपको बताया था, दिख रहा बोर्ड साहब साहब? यस सर। चलो तो y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स दे रखा है, तो मैंने बोला था कि ये चीज जो है डिफाइन कब होगा, मैंने बोला था ये डिफाइन कब होगा है ना, डिफाइन ओनली डिफाइन। पहला केस बताया था कि इसका x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा केस को बता सकता है एक ऐसा होना चाहिए बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा केस क्या बताया था मैंने ये बताया था ए बेस जो है वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन केसेस है इसको जिंदा रहने के लिए, ये बता दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी मैंने आपके सामने रखा है log base है ना, यहाँ पे दे दिया x माइनस वन और यहाँ पे दे दिया x स्क्वायर माइनस ऑफ फोर। चलो इसको सॉल्व करूंगा मैं और आराम से सुनना, ठीक है देखो अच्छे से है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ सुनना, पहले ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको पहले ये बता दूं। ठीक है, पहले ये देख लो अच्छे से, ये आपको समझ में आ गया था पिछले क्लास में मैंने बता रखा था। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ, कुछ कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर बात कर लेंगे फटाफट करके। ठीक है, चीजों को समझना भाई साहब एक ही चीज को। चलो देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना पहला पॉइंट लिख रहा हूँ है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डोमेन के प्रस्पेक्टिव से कहें तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट में क्या लिखवा रहा हूँ सुनना अच्छे से, पहला लिखा कि y इज इक्वल टू लॉग में जो दे रखा है बेस भी वेरिएबल है, बेस gx है, gx वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों बोला क्योंकि सर x है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे fx लिख दिया, यानी क्या इसका जो नंबर दे रखा है ना वो भी वेरिएबल है, तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर डोमेन है ना, फॉर डोमेन, चलो ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, यानी क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे है ना पहचानेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा सुनना, वाई इज इक्वल टू लॉग फंक्शन दिया एफ एक्स, बेस दिया जी एक्स, दोनों वेरिएबल है, तो इस केस में डोमेन कैसे आएगा? तो पहला केस क्या, बस वही सब कंडीशन आपको खेलना है यहाँ पे, कि पहला जो सर आज नंबर की जगह पे एफ एक्स है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा सर आपको, मैंने बोला ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा सर है ना, पहले के बाद एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, दूसरा कंडीशन क्या होगा सर, बेस जो है वो भी वेरिएबल है, लेकिन सर बेस भी कैसा होना चाहिए, बेस भी वन से बड़ा, सॉरी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तीसरा एंड, तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए सर, तीसरा कंडीशन बेस कभी भी वन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये डोमेन के कंडीशन होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है तो उसका डोमेन का इलाज ये है। ठीक है, चलिए अगर आप कितना सीख पाए हैं इस बोर्ड के क्वेश्चन पे आप बताएंगे। वाई इज इक्वल टू मैंने लिखा लॉग बेस है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। चलो जल्दी से बताओ डोमेन कितना आएगा, पहला कंडीशन पूछ रहा हूँ, बनाना कोई नहीं आराम से सिर्फ सीखो। पहला कंडीशन को बताया क्या लिखो बताओ, फंक्शन क्या करूँ ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद में है ना ये क्या लिखेंगे जल्दी से बताना, ये आ गया एक्स माइनस टू, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू और ये ग्रेटर देन जीरो, काम खत्म हो गया इसका। पॉइंट नंबर टू कह रहा हूँ, ठीक है पॉइंट नंबर टू को बताया जी एक्स ये रहा जी एक्स, तो मैं बोलूंगा सर जी एक्स कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, एक्स माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए सर। साथ में तीसरा केस क्या होगा सर, तीसरा केस ये होगा कि सर जो एक्स माइनस वन है वो बिल्कुल वन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या देखा एक्स नॉट इक्वल टू टू, यहाँ से आ गया भाई साहब वन उधर जाने पे। अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ गया, कोई बता सकता है नंबर लाइन पे ये दो आ गया, ये माइनस दो आ गया, ये माइनस दो ये दो प्लस, दिख रहा सभी को ये माइनस और ये प्लस की तरफ भागना चाह रहे, तो ये इधर और ये इधर, यहाँ से एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिट से माइनस टू फिर टू से इन्फिनिट ओपन में, और ये वैल्यू कितना आ गया एक्स ग्रेटर देन वन, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से वन से इन्फिनिट। अब तीनों पार्ट का क्या लेना है सर, तीनों पार्ट का कॉमन लेना है, पहले या तो नोट करो फिर बात करता हूं, कहीं कोई डाउट है पूछो आराम से। ठीक है चलिए बात करते हैं इस पे, तो ये आंसर अभी मैंने कोट नहीं करा है, ये आंसर जरूर ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अगला, इसका आंसर कौन बताएगा पूरा फाइनली जो आ गया, यानी सर इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, पहले वाले का अक्सर गठन करो, बेस को गठन करो अगर वेरिएबल है तो, ठीक है, और अगर मान लो कॉन्स्टेंट है सर बस चेक करना कि वो वन से है ना जीरो से बड़ा है या नहीं और वन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर फाइनली क्या मिला था, एक्स बिलोंग्स टू मिला था माइनस टू है ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यूनियन कितना मिला टू से इन्फिनिट, ये पहला आंसर था भाई साहब। दूसरा आंसर था, ठीक है दूसरा आंसर क्या था, एक्स नॉट इक्वल टू टू, ये दूसरा आंसर था। तीसरा आंसर क्या था सर, x belongs to one से infinite open में, ठीक है ये कौन सा आंसर था, ये आंसर था थर्ड। तीनों का कॉमन पार्ट बताओ, तीनों का कॉमन पार्ट ऐसे ले रहा हूँ, कितने रूट से दिखा रहा हूँ, एक रूट और ये दो रूट ये तीन रूट, ठीक है तो लिख रहा हूँ यहाँ पे
माइनस टू बीच में आ गया वन और बीच में आ गया टू, इधर चला, ये ओपन में इधर दौड़ा और ये ओपन में उधर दौड़ा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो और दो से इन्फिनिट। और ये क्या कह रहे हैं, दो नहीं लेना है, ठीक है सर, दो नहीं लेना है, ओपन रहा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन से इन्फिनिट, वन पे ओपन चला और से इन्फिनिट तक, तो बताया कॉमन पार्ट कितना है, जल्दी बताओ, टू से इन्फिनिट। बहुत ही बढ़िया, एक्स वेलोसिटी कितना, दो से इन्फिनिट, दिस इज योर आंसर। कॉपी करें, चलो ये लॉक के अंदर वेरिएबल वाला केस रब कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। तो रिजल्ट नंबर वन था और रिजल्ट नंबर टू पे आते हैं, एक एक करके हर एक एक क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, छह सात चार पांच जो भी रिजल्ट है उस पे बात कर लेंगे। अब दूसरा रिजल्ट देखो, सुनो अच्छे से, जैसे कभी भी क्या हो जाना कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में, कभी भी ना अंडर रूट में फंस जाए ऐसा, लॉक के अंदर चीजों को समझना अच्छे से। लॉक के अंदर क्या है, जी एक्स दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, कैसे कैसे इसका डोमेन निकालेंगे, यहाँ डोमेन लिख रहा हूँ, कैसे कैसे डोमेन निकालेंगे। तो पहला केस दिख रहा हूँ, डोमेन को बताएगा कि इस पूरे फंक्शन का पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम को बता सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल रूट का इलाज। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, लॉग जी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है ना, यहाँ पे एफ एक्स आ गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। पहले इसको है ना, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए है ना, इस कॉन्सेप्ट को लेने से पहले मैं चाहता हूँ आपको वो इनिक्वेशन बता दूं ताकि आप इसमें फंस जाए, ठीक है, फंसने से पहले मैं बता दूं आपको। सेकंड नंबर क्या कहता है, सुनना अच्छे से, वाई इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई इक्वल टू नहीं दे रहा डायरेक्टली, अगर लॉग बेस ए और यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है और कोई फंक्शन इनइक्वालिटी के सामने आ जाए, चीजों को समझना, हो सकता है यहाँ ग्रेटर देन हो सकता है यहाँ पे लेस देन हो, तो दो बातों पे निर्भर करेगा ये, चीजों को समझना। इतना बता सकते हैं कि लॉग का ग्राफ, मैंने दो तरह के ग्राफ सिखाया आपको, एक तो सर याद होगा ऐसा और दूसरा याद होगा ऐसा, सही है क्या? तो कोई बता सकता है ये वाला ग्राफ कब था, जब बेस का वैल्यू जीरो से वन के बीच में था, और ये वाला कब था, बेस का वैल्यू वन से बड़ा था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, सही है। चलो अगला सुनना, अगर ये बात सही है तो कितने बता सकते हैं कि सर कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है और कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, बताओ कौन सा डिक्रीजिंग कौन सा इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट वाला डिक्रीजिंग है और सेकेंड वाला क्या भाई साहब, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट वाला डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो मैंने बताया था साइन ऑफ एन इक्वेशन तीन जगह पे चेंजेस होता है, कहां कहां पे चेंज होता है, मैंने सिखाया था कि पहला कि आप किसी है ना किसी भी इनइक्वालिटी के सामने माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं बोलूं तीन जो है दो से बड़ा है माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन ऑफ इक्वेशन रिवर्स हो जाता है। तो पहला केस तो ये हो गया कि माइनस से मल्टीप्लाई करो, यानी दो पॉजिटिव क्वांटिटी में एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरे से बड़ा है और उस इनइक्वेशन में आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला तीन दो से बड़ा है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने चीजों को रेसिप्रोकल कर दिया तो फिर साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, दो जगह हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है सर, तीसरा कंडीशन होता है कि जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन को, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन को आइदर आप मल्टीप्लाई करें, आइदर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है ना, और रिमूव, याद रखना अच्छे से। यानी क्या हुआ, अब इसके ऊपर लिख देते हो, ये हेडिंग थोड़ा सा लिख लेना जरूर है ना, साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंजेस कहाँ पे, कहाँ कहाँ चेंज हो जाता है, पहला केस में, ये दूसरा केस में और तीसरा केस में। यानी क्या, साइन ऑफ इक्वेशन तीन जगह ही दुनिया में चेंज होती है, कहाँ कहाँ पे, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करते समय, दूसरा रेसिप्रोकल करते समय, तीसरा डिक्रीजिंग फंक्शन को आप चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन ऑफ इक्वेशन के सामने या फिर उसको रिमूव कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन में साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, इसको ऊपर अभी मैं बात करूंगा, पहले इसको कॉपी करूँ, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने ये सीख लिया सर कि डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होता है, यानी क्या कि साइन का, अगर मैं बोल दूं लॉग का ग्राफ, तो लॉग का ग्राफ तो सर दो तरह का ग्राफ होता है, वो डिपेंड करता है बेस पे, लेकिन सर अपने को पता है कि एक ग्राफ ऐसा है जिसमें वो डिक्रीजिंग ना डिक्रीज करता है। तो सुनना अच्छे से, यानी क्या कि कभी भी मैं इसको एफ एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी मैं एफ एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँ या एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कभी भी कोई लॉग फंक्शन इन इक्वेशन के सामने खड़ा हो जाए, तो अपने को दो बातें ध्यान रखना है, कौन कौन सा, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें इसलिए ध्यान रखना है कि हो सकता है बेस का वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो सकता है बेस का वैल्यू वन से बड़ा हो, अगर बेस का वैल्यू वन से बड़ा हो तो ग्राफ तो यूं भागेगा, और अगर बेस का वैल्यू वन से छोटा हो तो ग्राफ का है ना ग्राफ यूं भागेगा, तो कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ, ये वाला, और ये वाला इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में कभी भी साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होता, लेकिन डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा। लेकिन सर कैसे होगा ये तो बताओ, सुनो अच्छे से,
मैंने क्या करा, मेरे को एफएक्स निकाला है, जैसे मैं एफएक्स निकालूंगा तो लोगों को हटाऊंगा, जैसे ही लॉग हटेगा ये सरक के इधर भागेगा, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ सुनना अच्छे से, इसलिए देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफएक्स, चीजों को समझना अच्छे से। अब बताना जल्दी से, यहाँ पे मैं एफएक्स चाहता हूँ, लॉग हटाना चाहता हूँ, तो बताना लॉग यहाँ पे बेस जीरो से वन के बीच में, तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और डिक्रीजिंग फंक्शन को आप यहां से क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो साइन ऑफ इक्वेशन सेम रहेगा या चेंज होगा, ये बताओ। चेंज हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, लेस देन, जिस दिन इसको डंडा पड़ेगा ये यहां भागेगा, क्या मिलेगा, लेस देन ए के पावर जीरो। होप आपको समझ में आया हो, इस कंडीशन के लिए ये होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस कंडीशन के लिए क्या लिखूंगा सुनना। अब बताना यहाँ पे क्या साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा या एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा सर, ए के पावर जीरो। चलिए कॉपी कीजिए इसको, यानी सिंपल सा बात बता दूं, कभी भी इनइक्वालिटी के सामने लॉग आ जाए तो आपको सिर्फ बेस पे ध्यान रखना, बेस अगर वन से बड़ा हुआ तो नो चेंजेस ऑफ साइन ऑफ इक्वेशन, बट बेस वन से छोटा हो गया हम तो समझ जाना कि साइन ऑफ इक्वेशन चेंज करेंगे। कॉपी करें इसको, चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ज्यादा समझ में आएगा इससे, बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये लिखा है मैंने, समझना अच्छे से भाई चीजों को, तो क्या क्या हो सकता है ना, क्वेश्चन कह रहा हूँ पहले वो ले लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, बस आंसर बताना। एग्जाम्पल में दे दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे दिया लॉग बेस वन बाय टू, यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू, क्या करूँ कोई बताएगा, मेरे को एक्स चाहिए, तो सर एक्स चाहिए तो लॉग को हटाना पड़ेगा, कोई बताएगा लॉग हटाते समय बस क्या देखूं, देखना क्या है कोई बताएगा सर, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा, देखो बेस वन से छोटा है, वन से छोटा सही है, बेस अगर वन से छोटा हो गया तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, जिस दिन मैं इसको हटाऊंगा ये यहाँ भागेगा, लेकिन साइन ऑफ इक्वेशन चेंज क्या लिखूं जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है सर, चलेगा है ना, लेस देन इक्वल टू कितना, वन बाई टू के पावर में जीरो, तो ये कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, सही जा रहा हूँ, ये इधर रखेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस रूट टू, और यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस रूट टू, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू जीरो, इससे अगर मैं जाऊं तो एक्स ब्लू ऑप्शन आ गया माइनस रूट टू से रूट टू, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस सर, सिर्फ बेस देखना, बेस सर कब देखना है, जब लॉग इन इक्वेशन के सामने खड़ा हो तब, अदरवाइज नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आइए मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का लॉग खत्म हो जाएगा, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट और ये सब का दो तीन क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, उसको मैं जरूर ले लूंगा, ठीक है। आइए साहब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आ जाता हूँ मैं, बस लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा, क्या ध्यान में रहना चाहिए, वाई इक्वल टू रूट ओवर कभी भी लॉग के अंदर में जी एक्स आ जाए और यहाँ एफ एक्स आ जाए, हो सकता है जी एक्स वेरिएबल हो सकता है जी एक्स कॉन्स्टेंट हो, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसा किया गया है ना, क्वेश्चन किस वे में आया है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन फॉर डोमेन लिख रहा हूँ, फॉर डोमेन क्या क्या करूँ कोई बताएगा, पहला कंडीशन क्या करूँ बोलो सर, रूट का इलाज बोले, बहुत ही बढ़िया, रूट का इलाज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा कंडीशन कोई बताएगा क्या लिखूं, अरे पहले तो रूट का अब किसका, लॉग का, लॉग का करो भाई साहब, तो लॉग का कैसे कैसे करोगे जल्दी बताओ, क्या क्या करूं बोलो, तीन कंडीशन याद है किसी को, fx greater than 0, बहुत बढ़िया, gx greater than 0 और gx not equal to 1, बस ये तीन कंडीशन आपने देखना है, बात खत्म होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे देखना है ना, अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू लिखा, अंडर रूट ऑफ ग्रह सभी को, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग के अंदर तीन लिख दिया, तीन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने तीन भी नहीं लेता, वन ले लेता हूँ, ये वन बाय टू ले लेता हूँ, चलेगा, और यहाँ दिया x माइनस टू, नीचे दे दिया x माइनस वन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉपी करें पहले, बीच में एंड जरूर लगाएं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है आपने, चलिए ये आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्वेश्चन पे चीजों को समझना,
एक एक चीजों को समझना अच्छे से। चलो क्या दिखा रहा हूँ सुनना अच्छे से। पहला कंडीशन लिख रहा हूँ भाई, पहला कंडीशन क्या है, लॉग बेस वन बाय टू, यहाँ पे x माइनस टू और नीचे कितना x माइनस वन, सो सर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई साहब, है ना जीरो, ये हो गया पहला कंडीशन। पहला कंडीशन आ गया, दूसरा कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, कितने लोग बता सकते हैं लॉग का, मैंने लिखा लॉग वन बाय टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस टू, नीचे लिखा x माइनस वन, चलो इसका कंडीशन बताओ, इसका इलाज बताओ, इसका इलाज वो तो हो गया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये बताओ इसका इलाज क्या क्या करूँ, बोलो क्या क्या करूँ सर। x माइनस टू बाई x माइनस वन इज ग्रेटर देन, बहुत ही बढ़िया, x माइनस टू x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। दूसरा कंडीशन बताओ, वन बाय टू तो पॉजिटिव ही है सर, वन बाय टू वन के बराबर नहीं है सर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। चलो अब बताना जल्दी से, मैं चाहता हूँ यहाँ से x का वैल्यू निकालना, क्या लॉग को उड़ा दू? लॉग को उड़ाते ही आपके दिमाग में ये चीज छपा होना चाहिए भाई साहब कि ये देखो कैसा है, बेस 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 कैसा भाई, बेस वन से छोटा, साइन ऑफ इनिक्वेशन छोटा, तो साइन ऑफ इनिक्वेशन चेंज, साइन है ना एस आई जी है ना, साइन ऑफ इनिक्वेशन, साइन ऑफ इनिक्वेशन चेंजेस है ना। चलो तो कैसा चेंजेस सर, तो ये लिख देता हूँ x माइनस टू अपॉन x माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन बाई टू के पावर में जीरो। चलिए इक्वेशन नंबर वन इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके दोनों का आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, आराम से लिखो, बताओ कितना आ रहा है, दोनों को सॉल्व करें और इंटरसेक्शन बताएं। बन गया सर टू से इनफिनिटी, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं एटलीस्ट आपने ट्राई करा। चलो भाई है ना, तो मैं ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, नीचे वाले को नीचे, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा मैं बस दिखाना चाहता हूँ आपको, ये मिल गया x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, किसी का पावर जीरो वन ही होगा। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, x माइनस टू नीचे x माइनस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये सरकार दिया उधर, तो x माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस प्लस वन, नीचे क्या आ गया भाई साहब माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। कितने लोग देख पा रहे हैं कि एक्स एक्स उड़ गया, ये माइनस दो और माइनस है ना प्लस वन, कितना आ गया माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा और यहाँ से आंसर क्या आएगा, और यहाँ से फाइनली इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ एक्स माइनस ऑफ टू, नीचे क्या आ रहा है एक्स माइनस ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है सॉरी ओनली ग्रेटर देन जीरो, ओनली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसका नंबर लाइन पे लेके आ जा रहा हूँ मैं, इसका नंबर लाइन पे आ गया दो है ना वन और ये टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है ये, अगर ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है तो मैं इसको लिखूंगा कितना को बता सकता है, ये आ गया सर इधर से इधर और ये इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका x बिलोंग्स टू कितना माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन कितना टू से इन्फाइट, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर वन है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर टू है, और इसका आंसर अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका आंसर आ जाएगा भाई साहब वन पे ही ले जाओ, वन से इन्फाइट इधर चला, यानी क्लोज में या ओपन में, ओपन में तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया वन से इन्फाइट, ठीक है। कॉमन पार्ट कितना आएगा, एक बच्चे ने बोला था मेरे को टू से इन्फ्रंट, बहुत ही बढ़िया बोला, कॉपी करो भाई, फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले यहाँ तक लिख लो, तो रूट वाले क्वेश्चंस भी आप निपटा देंगे, इसमें मेरे को पूरा भरोसा है आप, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो तो जरा मैं देख लू इसका आंसर कितना है, फाइनली फाइनली है ना, फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनली क्या दिखा इस सर, यहाँ पे देखा आपने ये आ गया बीच में कितना गया वन, ये आ गया टू, ठीक है वन टू ये आया था ना, तो ये आया था माइनस इनफाइनाइट से वन और ये टू से इनफाइनाइट और एक फाइनली वन से इनफाइनाइट, दैट इज टू से इनफाइनाइट, एक्स बिलोंग्स टू कितना ओपन में टू से इनफाइनाइट, कॉपी करें, कहीं डाउट है फिर से पूछ लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना इसको। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉग का दूसरा केस मैंने आपको बता दिया,
कि कभी भी रूट में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मली लॉग आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जरा सोचना और अच्छे से समझना, चीजों को ध्यान देना है ना। पॉइंट नंबर थर्ड पे बात कर रहा हूँ, सॉरी थर्ड कर रहा हूँ, फोर्थ नंबर रिजल्ट क्या है सुनना अच्छे से। कभी भी आपके सामने y इक्वल टू लॉग आ जाए, लॉग चीजों को समझना, लॉग बेस a आ जाए a, है ना, मान लो कि a कांस्टेंट या पॉजिटिव का कुछ भी हो सकता है, a लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया ना क्या अंडर रूट में fx, अंडर रूट में fx, ठीक है। तो डोमेन इसका कैसे निकालेंगे, पांच नंबर लिख रहा हूँ, y इक्वल टू कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए लॉग बेस a चलेगा और यहाँ पे आ जाए ना fx का स्क्वायर आ जाए, fx का स्क्वायर आ जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर सिक्स क्या हो सकता है, y इक्वल टू लॉग बेस a आ जाए और हो सकता है बेस में ना वेरिएबल भी हो जाए, तो वेरिएबल का केस मैंने जो बता रखा बस वैसे ही चलना है, बस ये अलग केसेस बता रहा हूँ, मॉड में fx आ जाए, मॉड में fx आ जाए, तो सर डोमेन कैसे निकलेगा, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये इसका डोमेन है, कैसे डोमेन निकालेंगे, हाउ टू प्रोसीड ऑन द डोमेन, ठीक है, कैसे निकालेंगे सुनना, कुछ नहीं करना डोमेन के लिए, पहला केस लगा देना fx ओनली ग्रेटर देन 0, आपको कुछ करना ही नहीं है, रूट में दे रखा है ना इक्वल टू जीरो मत करना, क्योंकि लॉग कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं लेता, लॉग डिफाइन ओनली फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अगर आपने जीरो कर दिया तो रूट में जीरो जीरो हो जाएगा और लॉग के अंदर जीरो रखो नपड़ पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि लॉग बोलता है मेरे को पॉजिटिव नंबर चाहिए, व्हाटएवर कुछ भी दे दो फ्रैक्शन में बट पॉजिटिव दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली क्या डोमेन के लिए यूज करना है, fx ग्रेटर देन 0, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में डालो बातों को, चीजों को धीरे धीरे करके है ना, पुट अप करो कि भाई साहब ऐसा है ना तो ऐसा करूंगा, अगर ऐसा है ना तो ऐसा करूंगा, वो सिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, डोमेन कैसे निकालना सुनना, ओनली है ना डोमेन लिखना है x बिलोंग्स टू r है ना माइनस, यहाँ पे क्या कर देना भाई साहब fx इक्वल टू 0। सर ये क्यों करा, fx 0 को क्यों हटाया, मैंने बोला देख भाई ते यहाँ पे कुछ भी रखेगा ना fx को, कुछ भी रख ले, कुछ भी जैसे माइनस 5 रख ले fx की जगह, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, लॉग के अंदर 25 डिफाइन है क्योंकि आपने पॉजिटिव रख दिया। सर जीरो क्यों हटाया, मैंने बोला देख किसी दिन जीरो रखेगा ना तो एफ एक्स जीरो हुआ तो लॉग जीरो, फिर लपड़ पड़ने वाला है क्योंकि लॉग कहता है पॉजिटिव रियल नंबर दो। आप तो सर आप बोल रहे थे नेगेटिव रखने के लिए, मैंने बोला नेगेटिव रखने पे ये स्क्वायर तो है उसका सामने, वो झेल जाएगा उसको, नेगेटिव से क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो यानी इसमें डोमेन कैसे निकालना, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एफ एक्स जीरो हटा के बात करना है, ठीक है। चलिए तो सर केस नंबर थर्ड क्या, थर्ड के लिए भी वही केस है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ एफ एक्स जीरो, इसका मतलब सर इसमें भी जीरो को हटा देना, हाँ जीरो को, क्यों, क्योंकि सर मॉड क्या कहता है, मॉड तो पॉजिटिव है, जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता और लॉग को पसंद क्या आता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, इसीलिए जीरो हटाओ बाकी कुछ जीरो। तो डोमेन का मतलब हुआ ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, कॉपी कीजिए, ठीक है। अच्छा अब सवाल क्या होता है ना कि मैंने ये बेस पे नजर नहीं दौड़ाया, भाई साहब बेस पे नजर नहीं दौड़ाया है, बेस आप खुद से समझ जाना, पेपर में आएगा तो बेस अपने समझ जाना, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, बेस कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, बेस क्या नहीं होना चाहिए वन नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव है ना एंड बेस नॉट इक्वल टू वन, लिख दे रहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे कॉमा में चले गए दो मिनट, हम तो सर ये सब नहीं जानते, अभी करेक्ट, अब इस पर फटाफट करके तीन क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म। आइए सब बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलिए तीन चीजों को ध्यान रखना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या है क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, चलो अगला क्वेश्चन आप बताने वाले हो, लिखा वाई इज इक्वल टू लॉग, यहां पे लिख दिया मान लो 3 और यहां पे लिख दिया है मान लीजिएगा क्या लिख दो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, डोमेन बताना, डोमेन डोमेन सर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। पता है गरीब बच्चे क्या करते हो, सुनो मेरी बात सुनो, सभी लोग ध्यान सुनना, एक बच्चा क्या करता है सुनो, पेपर में ना उसका दिमाग चलना चालू कर देता अचानक से, क्योंकि साल भर वो पढ़ता नहीं है और अचानक से दिमाग पेपर में काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छा ये 2 है क्या, मैं इसको आगे कूदाऊंगा, अच्छा आगे क्योंकि मेरे को फॉर्मूला आता है, मैंने बोला ठीक 2 लॉग बेस 3 यहाँ पे एक्स माइनस 1, अब तो सर ने गुरु जी ने तो पढ़ाया था डोमेन निकालना, बस कुछ चेंज नहीं करूंगा, ये आजा भाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है ही नॉट इक्वल टू है नहीं, तो एक्स कैसे आ गया ग्रेटर देन 1, यानी भवार्थ एक्स बिलोंग्स टू कितना 1 से इनफिनिटी, ऑप्शन में पड़ा रहेगा टिक करेगा जो कि गलत है, नियम पकड़ में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, लॉग के केस में ना फंक्शन के डोमेन निकालते समय लॉग के केस में पावर अगर नंबर पे हो तो उसको आगे पीछे मत करना भाई साहब, रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, आपका माइक नहीं चल रहा।
सर आपका माइक ऑफ, सर साउंड नहीं आ रहा सर, सर माइक म्यूट हो गया। ठीक है चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे आप, वाई इज इक्वल टू दे रहा हूं आपके सामने लॉग बेस ई, और यहां पे दे रहा हूं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, इसका डोमेन बताइएगा। डोमेन एक बच्चे ने इसका डोमेन बता दिया, क्योंकि दोनों का सेम आंसर आएगा सर, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ वन, इसका और इसका डोमेन निकालने का प्रोसीजर सेम है इसका। सर वन से इनफिनाइट, बहुत बढ़िया, ये अंडर रूट वाला, हां लॉग के अंदर में अंडर रूट ओनली x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या करना है x ग्रेटर देन 1, यानी x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई, 1 से इनफिनाइट। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको, आगे बात करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए तो डोमेन के क्वेश्चंस आपने यहां तक लगा लिया है, इस तरह के क्वेश्चंस आप झेल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को और आप समझे, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, कई बार क्या होता है कि उस क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चंस को आप समझें। क्वेश्चंस क्या है आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई दिया, मॉडुलस ऑफ लॉग बेस ई दे दिया, और यहाँ एक्स दे दिया, को बताया कैसे डोमेन निकाले इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन सीखो, मेरी तरफ से सीखो, पहले सीखना चालू करो, ठीक है, क्या सिखा रहा हूँ मैं, कहता हूँ जब डोमेन निकालने तो एक एक फंक्शन से पूछ पूछ के बात करते हैं, पॉलिनोमियल को तो पूछना ही रहता सीधा, है ना, पॉलिनोमियल का चार केसेस हमने पढ़ा, जिस भी फंक्शन का डोमेन आर होगा वो पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेगा, चार फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, एफ एक्स, वन अपॉन एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स और अंडर रूट वन अपॉन एफ एक्स, ऐसा होता है, यानी चार केसेस में तभी लगाना है जब फंक्शन का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा, तभी हम इस तरह के चार प्रोफाइल को यूज करेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज रहते कौन सा डोमेन कैसा, कब सर आप बोलते हो, कभी कभी बोलते हो कि एक एक करके चेक करना है, कभी कभी आप डायरेक्टली यूज कर देते हो, तो मैंने बोला भाई साहब ये बस दो चीजों का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को पकड़े हैं कि अगर मैंने देख लिया किसी फंक्शन का डोमेन आर है तो मैं तो वो चार केसेस ही पढ़ूंगा, मैं अलग अलग करके फिर नहीं निकालूंगा, चार केस देखूंगा कौन सा केस में जा रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर फंक्शन का डायरेक्टली डोमेन पता है कि ये आर वाला नहीं है तो एक एक करके पूछूंगा, क्योंकि लॉग का डोमेन डायरेक्टली आर नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं पहला लॉग का पूछूं, कोई बता सकता है इसका इलाज क्या होगा, मैंने बोला सर देखो लॉग के बाहर लॉग के जो नंबर है वो मॉड में लगा के रखा है, तो मैंने बोला भाई लॉग के अंदर अगर मॉड लगा दिया तो मैं बोलूंगा माइक म्यूट, ठीक है, क्या रिपीट करूंगा फिर से सुनना, मैंने क्या बोला इसके लिए केस बता रहा हूँ, ये फील आपको ऐसा दे रहा होगा, इधर लिख देता हूँ लॉग के अंदर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो क्या होता सर इसका कंडीशन, मैं बोलूंगा सर इसका है ना, मैं इसका लिख रहा हूँ पहले लॉग का ना, फर्स्ट लॉग का, फर्स्ट लॉग का, तो क्या लिखेंगे बताएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जा माइनस फंक्शन लॉग बेस ई एक्स बराबर जीरो हो जा, क्या मैंने सही लिखा गलती का जल्दी बताना, सही है सर, ठीक है, अच्छा ये तो पहले हो गया, एंड दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा, इनसाइड लॉग का, इनसाइड लॉग का लॉग बेस ई एक्स का, अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, अब तो सर इनसाइड लॉग बेस ई एक्स है ना, इनसाइड लॉग का, इनसाइड लॉग का, तो इनसाइड लॉग का कौन है, लॉग के इनसाइड में कौन है सर, लॉग एक्स ही है, जीरो से इसका डोमेन, हाँ, इसका डोमेन कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, ये तो नॉर्मल केस होता है, इधर सर का एक्स बिलोंग्स टू कितना, वन, सॉरी जीरो होगा या वन होगा, बताएगा वन ही होगा सर, वन होगा सर, सही है, तो ये बन गया भाई, और इधर से कितना आ रहा बताओ, इधर से आ रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स बिलोंग्स टू कितना गया, जीरो से इनफिनाइट, ठीक है, क्या अब दोनों को क्या लेना है, कॉमन पार्ट कॉमन, तो मैं फाइनली लिख रहा हूं जल्दी से बताना, जीरो जीरो ये कह रहा है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, पूरा आर ले लो, आर पूरा नंबर लाइन ही कवर करो, ये लो लेकिन वन छोड़ देना बीच में, ये छोड़ रहा हूं वन, ठीक है, तो बताओ आंसर बताओ, जीरो से इनफिनाइट माइनस वन, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया सभी को या डाउट है, रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले इससे पूछा, ये बोला भाई मेरा दर्द क्या है, बोला मेरे अंदर मॉड है, मॉड, तो मैंने बोला मॉड का तो कंडीशन होता है x belongs to r minus fx, जीरो हटा दो, फिर जब इसका काम खत्म तो बोला अंदर में कौन है, तो अंदर में मैंने देखा कि लॉग है, तो लॉग का डोमेन तो आता है, ठीक है, कॉपी करें,
चलिए भाई, तो इस तरह क्वेश्चन आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो होप आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, ताकि इन तरह के क्वेश्चंस को आप समझ पाए। आइए बात करते हैं, थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लिखा log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4x, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना अच्छे से। तो भाई वापस से फिर से कह रहा हूँ कि log का डायरेक्टली डोमेन तो होता नहीं यार, तो एक एक क्वेश्चन करके पूछेंगे। चलो बताओ कैसे, पहले इसका इलाज करूँ क्या? यस सर। यस सर, बताओ इसका इलाज क्या है? हाँ, इसका दर्द के अंदर का जो fx है वो ग्रेटर देन 0। इसको पॉजिटिव कर दूं? यस सर। चलो तो क्या लिखूं जल्दी बताओ, पहले इसका तो मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए भाई साहब सुनना अच्छे से, इसके लिए लिख रहा हूँ log बेस 3 log बेस 4 x ऐसा पॉजिटिव, पहला केस हो गया पहला केस। अब किसके लॉग का करो बताओ, कौन सा लॉग का लू, सेकेंड वाले का। अच्छा कोई बताए लॉग बेस 3 का x कौन है, x तो ये है सर पूरा, देखा? यस सर। इसको क्या करूं जल्दी बताओ, यहां लिखूंगा सर लॉग बेस 4x ग्रेटर देन 0 चलेगा। लास्ट केस पूछ रहा हूं, लास्ट केस ग्रेटर देन 0 जल्दी बोलो, x ग्रेटर। चलो तो कितना बता सकते हैं कि सर यहाँ पे तो दो दो लॉग है, कैसे हटाऊं? तो कुछ नहीं सर, डंडा चालू करो मारना, इसको डंडा मारूंगा ये यहाँ भागेगा। जल्दी से बताना, बेस 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो साइन ऑफ क्वेश्चन चेंज या नो चेंज? तो क्या लिखूं यहाँ पे, लॉग बेस 4x और ये कितना ग्रेटर देन 3 के पावर 0, भवार्थ कितना आएगा लॉग बेस 4x ग्रेटर देन 1। क्या फिर से डंडा मार दूं इसको? जैसे ही डंडा मारूंगा कटेगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा। बेस 1 से बड़ा छोटा, 1 से बड़ा, तो यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन 4 के पावर 1 यानी 4 से बड़ा। चलिए इधर बताइए, ये कटा ये आंसर का, तो x ग्रेटर देन कितना 4 के पावर 0 बराबर x ग्रेटर देन 1। तीन इक्वेशन आ गया, तीन इक्वेशन, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। चलो तीनों का नंबर लाइन पे ला रहा हूं भाई साहब, क्या क्या मिला बता रहा हूं, 0 1 ये 4, ये कह रहा है 0 वाला 1 से ना इधर इनफिनिट की तरफ, 1 से भी इनफिनिट की तरफ, और ये क्या बोल रहा है 4 से इनफिनिट, कॉमन पार्ट पता है जल्दी से, 4 से इनफिनिट, 4 से x belongs to 4 से। अब सुनना, कभी भी सीरीज का क्वेश्चन होना, सीरीज इन द सेंस, सीरीज का मतलब सुनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे दे, आपको सब देखना है कि दो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, बेस उसका कंसेक्यूटिव होगा ना, तो जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, सबसे बड़ा 4, 4 से इनफिनिट। नहीं पकड़ में नहीं, मैंने क्या बोल दिया? यस सर आया, हाँ सिंपल सी बात है, कंसेक्यूटिव बेस बढ़ता रहे तो जो सबसे बड़ा होगा वही से इनफिनिट उसका आंसर होगा। कॉपी करें, चलो भाई, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने समझ लिया, और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये लॉग के जितने भी क्वेश्चंस थे, लॉग के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करा दिया है। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, है ना, अदरवाइज हम ये लॉग का टॉपिक खत्म कर रहे हैं यहीं पे। बेसिक बेसिक जितने भी क्वेश्चंस थे, बेसिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं इसमें। कोई बता सकता है कि इसमें कोई डाउट है लॉग के टर्म्स में तो बताओ, और अदरवाइज मैं दो चार क्वेश्चन अगर अलग से कराऊं, दो चार, तो क्या उस तरह का क्वेश्चन आप बता सकेंगे? सिर्फ हिंट देना मेरे को, कहां सर इसको ऐसे करना है वैसे करना है, मैं आपसे बनवा नहीं रहा हूं, बस आपको हिंट देना, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको हिंट देना, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी से बताना करना क्या क्या है, ठीक है, पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, चीजों को समझना। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई log बेस 10 और यहाँ पे दे दिया x क्यूब माइनस 1 बनेगा। सर इसमें दो फंक्शन है, पॉलिनोमियल और एक log फंक्शन। बहुत ही बढ़िया, अच्छा log नीचे आता तो बताए, मैं ऊपर कैसे कर देता था, याद है? यस सर, वो log बेस x क्यूब माइनस 1 और 10 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे को याद है ये x स्क्वायर माइनस 1 और इसको मैं ऐसे लिखूंगा log बेस 10 और यहाँ आ गया x क्यूब माइनस 1 चलेगा। और जैसे मैंने इसको लिखा तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 इनटू में ये सरक के ऊपर गया और बेस चेंज हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 और यहाँ 10 आ जाएगा। मैंने सही लिखा, जल्दी से बताओ, याद है किसी को ये चीज? ठीक है, अच्छा इसका डोमेन क्या, जल्दी बताओ इसका डोमेन, r r पॉलीनोमियल।
और इसका डोमेन क्या करोगे, कंडीशन निकाल लेंगे सर, ये तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस इसका लिखेंगे पॉजिटिव होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप झेलने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना, क्वेश्चन क्या है सर, कौन बताएगा, हाउ टू प्रोसीड, पहले रूट का करेंगे फिर लॉग का करेंगे। बहुत ही बढ़िया, तो रूट के लिए क्या करो बोलो, पहले रूट का लिख रहा हूँ, रूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे अंदर का इफेक्ट, लॉग बेस एक्स, रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप बता पाए। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, दूसरा कंडीशन को बताएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो पहला कंडीशन, दूसरा बोलो, दूसरा एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स नॉट इक्वल टू वन, बोलो नॉट इक्वल। अच्छा बताना, अब मैं इसको लॉग उड़ा दूं? यस सर। या तो हो सकता है एक्स जीरो से वन के बीच में रहा होगा, यस सर सही है, या तो केस कैसा रहा होगा, एक्स वन से बड़ा होगा और बीच में क्या रहा, और का मतलब यूनियन लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यानी इससे जो आंसर आएगा यूनियन लेंगे। सर यूनियन कैसे लेंगे, आपको कैसे पता चला, मैंने बोला भाई एंड कहाँ है, क्योंकि या तो आप सोच रहे हो कि जीरो से वन के बीच में होगा, या लग रहा है बीच में, या और हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा हो, एंड थोड़ी हो सकता है, एंड का मतलब पैरेलली दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, आप बोलोगे कि एक्स का वैल्यू जीरो से वन के बीच में भी है एंड वन से बड़ा भी है, हाउ इज पॉसिबल, एक ही समय पे दो व्यक्ति नहीं देख सकते हम लोग ऐसे केसेस में, ठीक है, तो अलग अलग करके यूनियन लगा के खेलेंगे, तो जिस दिन ये यहां से यहां के बीच में होगा तो जल्दी से बताना, अगर ये जीरो से वन के बीच में होगा तो जिस दिन मैं इसको उड़ाऊंगा और ये जिस दिन यहाँ पे जाएगा वो बता सकता है साइन ऑफ इक्वेशन चेंज या सेम, सर चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर जीरो, ठीक है, और जिस दिन वन से बड़ा हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के पावर जीरो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही है, यस सर, चलो ठीक है, तो क्या अब बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, यूनियन ले लेना, फिर इसका सॉल्यूशन जो भी है तो दोनों का इंटर, हाँ सर हो जाएगा, चलो ठीक है, और कोई ऐसा जिसको लगता नहीं सर पूरा सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं एक बच्चे के कहने से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सभी बन जाएगा सभी से देख लो, चलो ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, चलो तो मैंने ये लॉग का ये भी केस बता दिया आपको, कभी भी अंडर रूट के अंदर में वेरिएबल वेरिएबल केसेस आए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉग का फंक्शन था, मैंने वो खत्म कर दिया भाई, सब समझ अच्छे से, यानी अलजेब्रिक भी खत्म है अपना, नॉन अलजेब्रिक भी खत्म हो गया, बस अलजेब्रिक में फ्रैक्शनल पार्ट वाले कुछ कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, बस एक दो क्वेश्चन उस पर देख लेंगे, है ना, बाकी बात उसका भी कोई खासा जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें आगे बढ़ क्वेश्चन करा के चला जाता हूँ, ठीक है, ना अच्छे से बेसिक से जल्दी से चीजों को समझना, ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ देखो यार, जैसे क्या फ्रैक्शनल पार्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि यहाँ पे बताओ एफ एक्स इक्वल टू ऐसे दिया वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, इसका डोमेन बताइए, आराम आराम से बात करेंगे, कोई बताएगा कि इसका डोमेन कैसे निकलेगा, कंडीशन बताओ, चलो सर पहले वन अपॉन रूट का इलाज करेंगे ग्रेटर देन जीरो, बहुत बढ़िया, तो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के साथ या ओनली ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, अब जल्दी से सोच के बताना कि अब ये रूट का हो गया भाई साहब, ये रूट का इलाज था लेकिन अंदर वाला फंक्शन का डोमेन देखोगे तो r है, क्योंकि x एक पॉलीनोमियल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन r था, तो क्या मैं अंदर वाले का चेक करूंगा कि बस इतना ही काम हो गया, इतना ही काम सर, ठीक है, चलो अब जल्दी से पूछ रहा हूं, कितने लोग बता सकते हैं कि ये कुछ है, इसको मैंने कहीं पढ़ा है, हां सर फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर x सही है क्या, अच्छा कितनों को पता कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, जल्दी सोच के बताओ क्या फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, क्या मैंने बताया था ऐसा बच्चों के झुंझुने, यस सर, सही है क्या, तो बताना जल्दी से ये क्या एक्स एक्सिस से नीचे है या ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ऊपर ही ऊपर, तो बताना जल्दी से एक्स के हरेक वैल्यू के लिए माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच में हरेक वैल्यू के लिए माइनस इनफिनिट से इनफिनिट में ये हमेशा पॉजिटिव है, तो वही ये कहना चाह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट मैं पॉजिटिव हूँ जी, यानी जीरो से बड़ा हूँ एक्स के किस वैल्यू के लिए, हरेक वैल्यू के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसको हटाकर, कोई बताएगा,
जीरो को ना भाई साहब, इंटीजर। अरे इंटीजर 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 पे जीरो दे देगा ये, और इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए इसको। नहीं पकड़ में आया किसी को? याद है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर रखने पे ये खा जाया करता था? यस सर। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो कहाँ है? तो कह रहा सिर्फ जीरो से बड़ा दो, इक्वल टू जीरो मत दो। इक्वल टू जीरो लेने के लिए इंटीजर को हटाना पड़ेगा। अगर मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर कर दिया तो आपने उसके अंदर अंदर इंटीजर भी को इंक्लूड कर दिया। इंटीजर जैसे इंक्लूड होगा इक्वल टू जीरो लगेगा, लेकिन बट इसको इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए सर है ना, तो बस एक दो क्वेश्चन इसी तरह का। तो शायद अब जो लास्ट हेडिंग जो बच रहा है, अच्छा मैंने आईटीएफ करवा दिया था क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? हाँ सर पढ़ा दिया है, आईटीएफ पढ़ा दिया था ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इस तरह वाला डोमेन जो डाला था, पढ़ा दिया है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना अच्छे से कि हम लोगों ने अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग फंक्शन के जितने भी रिमेनिंग वाले पार्ट बचे हैं, जो भी पांच से छह टॉपिक बचे हुए हैं, अब ये जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो पांच से छह टॉपिक जो बचा हुआ है उसको आराम आराम से पढ़ के खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको हेडिंग पढ़ा रहा हूँ वो एक हेडिंग है फंक्शन का ही, उसके बाद जो अगला हेडिंग है उसको लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे समझना है ना। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल फंक्शन है ना, इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन वर्ड आता है इक्वल फंक्शन, लिखें इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन का क्या मतलब है समझना अच्छे से, यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर, ठीक है क्या लिखता हूँ सुनना अच्छे से। लेट करा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y2 इज इक्वल टू जी एक्स है ना, जी एक्स आर सेड टू बी, आर सेड टू बी, सेड टू बी है ना इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन ओनली वेन, ओनली वेन है ना, दोनों को इक्वल फंक्शन कहा जा सकता है केवल और केवल तभी है ना। पहला कंडीशन क्या लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इसका, यानी क्या इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का डोमेन बराबर होना चाहिए, एंड साथ साथ में दूसरा क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी क्या डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड डोमेन ना रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, पहले यहां तक नोट करें, ठीक है कॉपी करो। यानी दो फंक्शन इक्वल कब होगा भाई साहब, दो फंक्शन या तीन फंक्शन, हजारों फंक्शन को इक्वल कब करना है, जब सभी का फंक्शन का डोमेन इक्वल हो और साथ में रेंज इक्वल हो, तभी जाके हम कहेंगे वो फंक्शन इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं कहेंगे। कॉपी करें, चलिए ये टॉपिक छोटा था ना, छोटा सा ही है बट इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, लिखिए आप इसको, बात करते हैं, बता रहा हूं मैं इसको, आइए साहब देखिए जरा कौन बताएगा इसका आंसर आएगा, चलो बताना है कौन सा, लिखता हूं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहा हूं है ना, चेक चेक है ना, चेक द गिवन फंक्शन, चेक द गिवन टू फंक्शन इज इक्वल और नॉट, इज इक्वल फंक्शन और नॉट, यानी जो दिया गया फंक्शन है वो दोनों इक्वल है या नहीं है आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बताइए भाई साहब। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा सुनना अच्छे से, दूसरे क्वेश्चन में पूछना, रुक जाओ, हाँ बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो 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 बोलो। अरे ऐसा नहीं है कि कनेक्शन टूट जाए, है ना, मार्स पे रह रहे लोगों को कनेक्शन टूट गया, क्या आया था बताओ सर? इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं है, और कोई, चलिए कोई बात नहीं, आइए सभी लोग मिलकर बात करेंगे। कौन बताएगा साइन का डोमेन आर, आर होता है सर, इसका डोमेन आर, दोनों का इंटरसेक्शन आर, सर जीएक्स का डोमेन आ गया, डीजे आ गया, डीजे डीजे बच गया भाई साहब, डीजे का डोमेन आ गया आर। चलिए बात करते अगला, कई गरीब बच्चे क्या करते हैं इसको देखते उड़ा देते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि वन है, नहीं डोमेन निकाल रहे भाई x into one भाई है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x upon x लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, fx is equal to कितना, x into one by x, इसका डोमेन r, इसका डोमेन r minus zero, सर ये कैसा, ignorable, r minus zero final domain, तो domain of the function is what,
आर माइनस जीरो, क्या दोनों बराबर हैं? सर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है क्या? तो इसलिए लिखेंगे नॉट इक्वल फंक्शन, नॉट इक्वल फंक्शन। तो सर मान लीजिए डोमेन इक्वल हो जाता और रेंज इक्वल नहीं होता तो भी बोल देता नॉट इक्वल फंक्शन। डोमेन और रेंज दोनों बराबर होने चाहिए तभी इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। कॉपी करें, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हूं मैं, जल्दी से चीजों को समझना। चलो दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, परेशान बिल्कुल भी मत होना, क्वेश्चन दे रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। जल्दी बोले, डोमेन है ना, कैसा फंक्शन है? कौन बताएगा? नॉट इक्वल होगा सर। ठीक है, कैसे सर? साइन और कॉस का तो आर हो जाएगा और जी एक्स में सेक का होगा आर माइनस, वो पाई बाई टू पे इनफिनाइट देता है ना सर, तो वो तो हट जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही बढ़िया। चलो एक बच्चे ने क्यों ना करेक्ट इसका आंसर बता दिया, इसका डोमेन आर है भाई साहब, इसका भी डोमेन आर है, इंटरसेक्शन आ गया आर, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज निकल के कितना आर। इसका अगर मैं देखूं है ना डीजे का डोमेन क्या आएगा, जरा देखते हैं। इसका मैंने क्या बोला, इसका डोमेन भैया डायरेक्टली आर नहीं होता, आर माइनस एन पाई बाय टू, यानी कैसा, ऑड पाई बाय टू बोलो सर, ऑड पाई बाय टू, डिवाइड ही नहीं होता। तो टू एन प्लस वन इंटू में कितना पाई बाय टू, और ये भी कैसा आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, दोनों पाई बाय टू में डिफाइन नहीं। बात क्या हुआ कि सर ये पूरा वैल्यू कहां ले पा रहा है, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू छोड़ ही दे रहा है, तो कौन सा वैल्यू छोड़ रहा है सर? पाई बाय टू वाला तो छोड़ दे रहा है, ये सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ नहीं ले पा रहा है, यानी दोनों कहां इक्वल है सर? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल फंक्शन। ठीक है, कॉपी करें, बहुत ही बढ़िया। रब कर रहा हूं मैं इसको, चलिए साहब देखते हैं अगला कौन बताता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं सुनना, यहां पे लिख रहा हूं चीजों को समझना अच्छे से। मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर है ना एफ एक्स है ना, यहां पे लिख रहा हूं एच एक्स बाई जी एक्स, नहीं एच एक्स बाई जी एक्स नहीं लेता, कुछ और ले लेता हूं, फाइव एक्स बाई एच एक्स चलेगा, एंड जी एक्स लिए आपके सामने रूट ओवर एच एक्स बाय रूट ओवर फाइव एक्स। चलो बताओ इक्वल है नॉट इक्वल है, सोच और समझ के बताना। सर ये कैसा, ये दोनों तो इक्वल ही लग रहा है, उसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, फिर कैसे लिख रहे हो? कोई बात नहीं, लिखो, सोचो भाई। जल्दी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, इट इज ना इज इट इक्वल फंक्शन और नॉट इक्वल फंक्शन है या नॉट इक्वल फंक्शन है, कौन बताएगा? सर ये दोनों का रेंज अलग हो जाएगा सर, डोमेन सेम होगा सर, रेंज ठीक है, ठीक है, और देखते हैं। डोमेन सेम आएगा दोनों का, डोमेन सेम आएगा दोनों का, यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा डोमेन सेम आएगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं डोमेन सेम आएगा या नहीं आएगा, इस बात पे चर्चा करते हैं। चलो बोर्ड पे सभी लोग देखना, चलो इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले इसको देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं कि, चलो इसी को देख लेते हैं। अगर कितने लोग, अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं दोनों को सेपरेट करूं, सेपरेट करके अगर खेल दूं, तो ये एच एक्स आया इंटू में वन अपॉन रूट अंडर एफ एक्स आया, कोई बताएगा सही लिखा गलत लिखा है? सही तो लिखा है, सही है। चलो अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे बताओ यहाँ के लिए डोमेन कैसे निकालते हैं आप? यहाँ के लिए डोमेन निकालता है एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सवाल ये उठता है सर, सुनना अच्छे से, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर यहाँ पे जो एच एक्स है केवल और केवल पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको, अभी जाके ये जीरो से बड़ा बनेगा, यहाँ पे भी फाइव एक्स को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉजिटिव बनेगा,
यानी दोनों कंडीशन में बोथ शुड बी पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सर पूरा का पूरा कंप्लीट रूट अंडर के अंदर बैठा हुआ है। सर इसका क्या मतलब है? मैंने बोला कि देख रूट अंडर को क्वांटिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, अंदर वाला पार्टी को बुलाओ और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के सामने लगाओ। मैंने बोला ठीक है, अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव कब आता है? जल्दी बताओ, दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव कब आता है? मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, या तो सुन लो, दोनों पॉजिटिव हो या जब दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो, सही है क्या? एंड यहां पे कोई बता सकता है दोनों नेगेटिव हो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ। सही है सर। सही तो बोल रहे हो सर, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। लेकिन इस केस में क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो सर दोनों का डोमेन इक्वल कहां आ रहा है? नहीं आया समझ में, तो मैं लिख सकता हूं हेंस बोथ फंक्शन हैज नॉट सेम डोमेन। ठीक है, लिख लीजिए, दोनों के पास सेम डोमेन नहीं है। क्या मैंने सही बोला है या किसी चीज में डाउट है तो पूछ लो, छोटी सी बात है बट इसको समझने लायक बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब ये खत्म हो गया। तो इक्वल फंक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप आराम से इसको टैकल कर लेना अच्छे से देख करके। बस आपको देखना है डोमेन और रेंज बराबर आ गया तो मैं बोल दूंगा इक्वल फंक्शन, अदरवाइज नॉट इक्वल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको रेंज के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ाया नहीं इसलिए मैं इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बट रेंज वगैरह जब पढ़ लोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन को डील कर लोगे आराम से। डोमेन तो आता था इसलिए अपने डोमेन के बेसिस पे सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने रेंज के ऊपर कभी बात नहीं करा आपसे। ठीक है, तो ये इक्वल फंक्शन खत्म होता है यहाँ पे। इक्वल फंक्शन के बाद जो अगला फंक्शन आता है ना उसके बारे में बात करेंगे, वो फंक्शन का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। चलिए अगला हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, क्या इवन स्लैश ऑड फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पे पढ़ना अपने को, इवन और ऑड दोनों को पढ़ना है, इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, अब क्या है सर इवन ऑड फंक्शन समझना चाहिए। क्या पहला फंक्शन ले रहा हूँ इवन फंक्शन, ठीक है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है, चीजों का समझते हैं। चलिए है ना, इवन फंक्शन क्या है यहाँ पे समझेंगे कि इवन फंक्शन आखिर है क्या, चीजों को समझना है इवन फंक्शन में होता क्या है। सुनना क्या बोल रहा हूं, इफ एनी फंक्शन है ना, इफ एनी फंक्शन कोई भी फंक्शन, यदि कोई भी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन है ना मेंटेन द कंडीशन, मेंटेन द कंडीशन, क्या कंडीशन सर, मेंटेन द कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स। ठीक है, याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी फंक्शन है ना, इफ एनी फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स मेंटेन द कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन है सुनना, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं भाई साहब, किसी फंक्शन में माइनस एक्स रखा और माइनस एक्स रखने पे वापस वही फंक्शन आ जाए, सर वो कौन सा फंक्शन था जिसको आपने किसी फंक्शन को कहा है? मैंने ये बोला भाई y इज इक्वल टू fx, किसी y इज इक्वल टू fx में जा करके आपने x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस करने के बाद में वही फंक्शन वापस निकल के आ जाए तो फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। देन फंक्शन सेड टू बी इवन फंक्शन। क्या मतलब है सर, क्या कंडीशन मेंटेन करेगा, f ऑफ माइनस x बराबर fx, किसमें सर y बराबर fx। चलो सर रिपीट कर रहा हूं फिर से, इवन फंक्शन क्या होता है आपके दिमाग में छपना चाहिए कि माइनस एक्स रखने पे वापस से fx आ जाए तो हम कह देंगे इवन फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए जरा एग्जांपल बताओ सर, ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर मैंने आपके सामने लिखा है कि सर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा है, ठीक है आराम आराम से सुनना है, तो मैंने क्या करा कि x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, सर क्यों करते हैं, चेक करने के लिए इवन है कि ऑड है। तो जैसे ही मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, जैसे रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, दिखा, और यहां पे भी x की जगह पे आप क्या रखोगे माइनस एक्स, तो कैसे रखूंगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने ये देखा होगा x का होल स्क्वायर है, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर कौन था, एक्स स्क्वायर एफ एक्स था, तो क्या सर एफ ऑफ माइनस एक्स से बराबर एफ एक्स आ गया क्या, हाँ बिल्कुल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये फंक्शन जो दिया गया एफ एक्स इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, दैट इज इवन फंक्शन। क्या बात पकड़ में आया,
सही है? यस सर। कॉपी करो, कहीं पे कोई डाउट हो पूछ लेना। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, एफ के अंदर माइनस एक्स रखूंगा और अगर माइनस के अंदर रखने पे एज इट इज फंक्शन आ जाए, एज इट इज जो है वही आ गया, बोलना इवन है। कॉपी करें, चलिए साहब। अगर ये इवन फंक्शन आपको समझ में आया है, इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ इसको लिखवा लूँ, ठीक है? चलिए, इवन फंक्शन का मतलब दिमाग में छपा हुआ है सर, एफ के अंदर माइनस एक्स रखो और वापस से वही फंक्शन पाओ, अगर वैसा ही आ गया एज इट इज तो समझ लेना भाई साहब इवन है, ठीक है? जैसे आप इसको ना एक है ना जोक के वे में इसको याद रख सकते, कैसे याद रख सकते सुनना मैं बताता हूँ। जैसे ना आपने बचपन में देखा होगा, बचपन क्या देखा है आज है ना, आस पड़ोस में आपने देखा होगा कोई बच्चा होगा, ठीक है, जो बदमाशी करता है, अपना उसको जाकर के एक तमाच मारो गलती पे, ऐसे मत मार देना, और वो जो गलती पे ना एक तमाच मार दो, अगर वो मान लो रिएक्ट नहीं करता है एज इट इज चुपचाप रहता है तो समझ जाना मैं इवन फंक्शन है, और अगर आपने ना मारा और वो रिएक्ट कर गया तो समझ जाना ऑड फंक्शन है। रिएक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो माइनस मार छोड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा, आपके विरुद्ध हो जाएगा, विरुद्ध होने का मतलब हो गया नेगेटिव और इसका मतलब हो गया रिएक्शन दे दिया उसने, रिएक्शन जो देगा समझ जाना भाई साहब वो ऑड है और जो रिएक्शन नहीं देगा समझ जाना भाई इवन है, आज मान लेना है ना, और जैसे वो दे दे इस तरह का रिएक्शन समझ आ गया, इवन फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। चलो तो इसका ना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो बोले सर, आज चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल है ना, छोटे भाई पे आजमा लेना, बदमाशी तो वही करता है सबसे ज्यादा। चलो बात करते हैं, तो रिएक्शन देगा तो ऑड है, मन में खुश हो जाना रिएक्शन दे रहा है तो ऑड फंक्शन है। चलिए और कुछ रिएक्शन है, वाह बहुत प्यारा भाई इवन फंक्शन। आइए बात करते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि पहला बात अगर मैं बात करना चाहूं कि सर जो हमने फंक्शन लिया था y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये आपने देखा था, जैसे मान लो y नहीं बोल करके इसको fx बोल देता हूं कि fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो कितना बता सकते हैं सर ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ 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 अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन से पास करता हुआ, ऐसा ही होगा ना साहब, सही है क्या? यस सर। ठीक है चलो, तो कितना बता सकते हैं कि सर ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन समझदार से ये ओरिजिन दे रखा है, तो अगर मैं बात करूं तो कितने लोग को पता है कि जो ये इवन फंक्शन है सर, ये जो दिया गया फंक्शन है वो इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि अगर ये इवन फंक्शन है तो सर इसका ग्राफ तो ये रहा, तो कितने लोग बता सकते हैं ग्राफ में जो वाई एक्सिस है क्या वाई एक्सिस के जितने राइट में वो ग्राफ है उतना ही लेफ्ट में भी है क्या, जितना राइट उतना ही लेफ्ट? इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के जितना इधर होगा इतना ही उधर होगा, सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है मिरर इमेज भी आप कह सकते हैं, ये ग्राफ का मिरर इमेज ये है, इस ग्राफ का मिरर इमेज ये है, ठीक है? मैं पहला पॉइंट में लिख देता हूं यहां पे, पॉइंट नंबर ए कि ऑल इवन फंक्शन आर, ऑल इवन फंक्शन आर, इवन फंक्शन आर है ना सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है? ये पॉइंट लिखें कि ऑल इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ही होंगे, ठीक है? तो कोई मेरे को बी पॉइंट बता सकता है? बी पॉइंट कि सर इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कोई बताएगा? बस कंडीशन पूछना चाह रहा हूं, कौन बताएगा? f के अंदर माइनस x इज इक्वल टू fx, बहुत ही बढ़िया, वी नो दैट इवन फंक्शन का एक्सप्रेशन, वी नो दैट इवन फंक्शन इज क्या है भाई, f के अंदर माइनस एक्स रखने पे बराबर कितना आ जाए fx। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन वाला आपको ऐसे भी देगा धोखा करके ऐसे, तो धोखा क्या सुनना, f के अंदर माइनस एक्स रखने पे माइनस ऑफ fx आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, तो क्या ये बात सही है गलत है सोच के बताओ? सही तो है, इसको उधर लेके चला गया। अच्छा कभी कभी ऐसे भी देता भाई साहब, समझना अच्छे से, कभी कभी ऐसे देगा fx के अंदर फिर माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर जीरो, क्या यही इक्वेशन को उल्टा पुलटा करके लिखा गया? यस सर। ठीक है, और या और राइट में कर दिया, एग्जामिनेशन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कॉपी करें। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, ध्यान रखना, सॉरी ओरिजिन कह रहा हूं वाई एक्सिस, ठीक है? चलिए तो ये इवन फंक्शन का कहानी था, ऑड फंक्शन पे आते हैं फटाफट करके, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए सर,
तो ऑड फंक्शन के ऊपर आता हूं मैं फटाफट करके। ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन क्या है, यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन में क्या है इसका। इफ एनी फंक्शन एफएक्स, एनी फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफएक्स है ना, वाई इज इक्वल टू एफएक्स मेंटेन द कंडीशन कौन सा कंडीशन सर, f के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी वो ऑड है, रिएक्शन देगा भाई साहब है ना, लपड़ मारने पे वो माइनस रिएक्शन दे दिया, समझ जाना भाई साहब ये ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब माइनस रखने के बाद अगर वो बाहर में माइनस आ जाए तो समझ जाना भाई ऑड फंक्शन है ना, देन फंक्शन सेड टू बी, देन फंक्शन y इज इक्वल टू fx सेड टू बी है ना, सेड टू बी क्या भाई साहब, ऑड फंक्शन। या आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद में अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन ऑड हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने जनरल कंडीशन लिखवा दिया मेंटेन द कंडीशन, अगर इस तरह का कंडीशन रखे तो समझ जाना वो ऑड फंक्शन की कहानी है। तो जैसे एग्जांपल दिखाओ सर, एग्जांपल में बहुत अच्छा लगता है एग्जांपल से समझने में। एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने एक्स क्यूब दिया, कोई बताया क्या करूं, तो जब मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो एफ के अंदर माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब आ गया, कोई बताएगा बाहर क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो छोड़ो सर ये बताओ, पहले ये बताओ कि सर एक्स क्यूब कौन है, सर एक्स क्यूब तो अपना एफ एक्स है, यहाँ लिखो ना भाई साहब माइनस ऑफ एफ एक्स, एक्स क्यूब की जगह आपने एफ एक्स लिखा और ये माइनस साथ साथ चलता रहा, तो क्या एफ के अंदर माइनस रखने पे माइनस एफ एक्स मिल गया क्या, ठीक है। फंक्शन को कह देंगे भाई साहब देन वाई इज इक्वल टू, जिधर लिखा था एक्स क्यूब या एफ एक्स इक्वल टू है ना, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, लिखे भाई इज एन ऑड फंक्शन। मेन फंक्शन के आगे माइनस आ जाए तो समझ जाना ऑड है, मेन फंक्शन के आगे समझ लो कुछ ना आए, माइनस ना करके प्लस आ जाए तो समझ जाना वो इवन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। कॉपी करें भाई, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है क्या है भाई समझना, एग्जांपल में क्या समझेंगे, एग्जांपल कह रहा हूं, सॉरी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना, पहला तो लिख देता हूं है ना, जैसे हमने पढ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है ना, ये कैसा फंक्शन है सर, ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो कोई बता सकता है सर ग्राफ, ग्राफ बोलो भाई साहब, ग्राफ उल्टा फॉर याद आया 10 ग्राफ में से ये एक लौता ग्राफ है, ध्यान रखना अच्छे से। तो जल्दी से बताना कि सर ये जो ग्राफ है, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ है क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ग्राफ है ओरिजिन से जितना ऊपर जा रहा है क्या ओरिजिन से उतना ही नीचे आ रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में, yes, sir. तो सीधा सीधा याद रखना कि सर जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं, पॉइंट नंबर टू लिख दे रहा हूँ, All odd functions are symmetrical about origin, ठीक है कॉपी करें इसको। पॉइंट नंबर थर्ड की अगर बात करूं कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे आपका माइनस ऑफ एफ एक्स आया था, और ये किसकी कहानी है, ये ऑड की कहानी है भाई साहब है ना, ये ऑड की कहानी है, तो कितने बता सकते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या ये सही है गलत है सोच लेता हूँ, सही है सर, सही है, कॉपी करें इसको, ये ऑड फंक्शन की निशानी। चलो भाई, तो ये ऑड फंक्शन का और इवन फंक्शन का हमने डेफिनेशन समझ लिया। ऑड का मतलब कुछ नहीं होता सर, माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाएगा, इवन का मतलब सर क्या होता है कि सर वो एज इट इज अंदर आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, चलिए मैं इसको बिठा रहा हूं, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको फटाफट करके आपको बताना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे लिखा इफ एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स
इनटू में लिखा जी एक्स माइनस ऑफ जी है ना, जी एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, देन चेक इट इज इवन और ऑड। चलो कैसे सॉल्व कैसे करें बताओ, स्टेप नंबर वन सुनना अच्छे से, क्या करना है सीधा सीधा है ना, आंसर में मैं लिखना चाहूंगा माइनस एक्स से, यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो एफ के अंदर माइनस चिपका दिया एक्स और इधर भी चिपकाना चालू, ये आ गया एच के अंदर माइनस एक्स और प्लस में एच के अंदर, ये बताओ माइनस माइनस मिलकर कैसा हो जाएगा, जल्दी बताओ, प्लस एच के अंदर एक्स आ जाएगा, ये क्या फिर इनटू में क्या लिखा जी ऑफ यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ऑफ जी के अंदर क्या जाएगा प्लस एक्स, सही जा रहा हूँ मैं प्लस एक्स, ठीक है। चलो तो फाइनली बताना एफ के अंदर यहाँ पे माइनस एक्स आ गया और देखना अच्छे से क्या ये वाला पार्टी सेम रह गया क्या, चेक करके बताओ सही, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है सर। इनटू में ये देखो सर यहाँ पे लफड़ा हो गया, ये जी एक्स इधर पॉजिटिव में है और माइनस जी एक्स नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, क्या मैं माइनस कॉमन ले लू क्या, यस सर, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा वो माइनस बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीटली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर जी एक्स माइनस ऑफ कितना जी ऑफ माइनस एक्स, कितने लोग बता सकते हैं कि ये कंप्लीट फंक्शन कौन है, एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, फंक्शन कैसा आया इवन या ऑड, जल्दी बताओ, ऑड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉपी करें, चलिए साहब ये भी आपने लिख लिया होगा, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो जल्दी से बताना कौन कौन सा इवन कौन कौन सा ऑड है ना, चेक चेक इवन और ऑड है ना ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, चेक इवन और ऑड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या दे रखा फटाफट देखना, क्वेश्चन दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, दूसरा दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ दे दिया एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, अगला दे रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया यहाँ पे, सुनना जैसे कि एक चीजों को समझते जाना, लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस ऑफ वन माइनस में दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दूं चीजों को समझना भाई साहब, ठीक है यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, चलो ये प्लस ही रहेगा, और नीचे लगा दिया मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ वन, ठीक है, इसको भी चेक करना कि ये इवन ऑड है, एफ एक्स इक्वल टू ये दे दिया आपके सामने ई के पावर एक्स प्लस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ये भी देख के बताना आपको ये इवन ऑड है, फिर अगला क्वेश्चन चिपका रहा आपके सामने ई के पावर एक्स प्लस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई ई के पावर एक्स माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, इसको भी बताना आपको इवन ऑड ऑड है, एफ एक्स इक्वल टू आप ला दे रहा हूँ आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, लॉग के अंदर चिपका दिया एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, चलिए सारा क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको बना के लाना है, ट्राई कर लेना इसको अच्छे से, लिख लो पहले